सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी सीताराम सीताराम। जड़ी बूटी देंगे आपको, बात हो गठिया बात हो, आपके दर्द हो तो भूत प्रेत हो टोना डीठ मुठ नजर हो आपको कुछ भी है भाई। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। पिछले दिनों हम उनकी कुटिया का वीडियो बनाए थे तो हमने देखा था कि उनकी कुटिया में न प्रकाश की व्यवस्था थी, न बैठने के लिए, बिछाने के लिए किसी भी प्रकार की, न राशन सामग्री थी, कुछ भी नहीं था। तो आज महाराज जी के लिए कुछ सामग्री लेकर आया हूँ। हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी और अब हम जाएंगे पहाड़ों के अंदर, तो सामग्री ले लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं महाराज जी इस समय कुटिया में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास सामग्री थोड़ा ज़्यादा है, लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं लेके जाऊँगा। देखे कैसे लेके जाता हूँ, इसको ऐसे रख लेता हूँ। और हमारे पास एक ये सिस्टम है, ये भी ले लेता हूँ, और एक झोला भी है तो ये ले लेता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों, तो देखे दोस्तों किस तरह से मैंने सामग्री ले ली है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पहाड़ों के अंदर। कितना बीहड़ जंगल है और हम जंगलों के अंदर आ गए हैं। महाराज जी कुटिया यहाँ थोड़ी दूर में ही है। तो फाइनली दोस्तों हम बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर आ गए हैं महाराज जी की कुटिया में। वो देखे महाराज जी की कुटिया है सामने, और ये महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं हनुमान जी महाराज की। और बगल में ही कुटिया है और दूसरे महात्मा भी एक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करिए। सीताराम महाराज जी, सीताराम प्रभु सीताराम महाराज जी, क्या हो रहा है? पूजा पाठ जी, ध्यान हनुमान जी को चल रहा है, पूजा पाठ हो रही है जी प्रभु। सीताराम महाराज जी, देखिए दोस्तों सामने विशाल पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ही महाराज जी की कुटिया है। आप देख सकते हैं हनुमान जी महाराज का स्थान हो गया और इधर महाराज जी की कुटिया हो गई। चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। सीताराम महाराज जी, जय श्री सीताराम प्रभु। महाराज जी आपकी सेवा में एक फोल्डिंग है, बहुत बढ़िया प्रभु, यह लीजिए महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक एक गद्दा भी है, जय प्रभु। और ये महाराज जी तकिया आपकी सेवा में। और महाराज जी आपकी कुटिया में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो महाराज जी मैं आपके लिए लाया हूँ ये सोलर प्लेट है, और महाराज जी ये बैटरी है, इसको चार्ज करना है इस प्लेट से। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, ये लीजिए, इसमें सब्जी है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, और महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है, और ये महाराज जी आटा है आपकी सेवा में, और इसमें महाराज जी नमक है जी, और ये महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है, और ये महाराज जी बल्ब वायर इसमें है, बल्ब तार बटन बटन, और ये महाराज जी मसाला है आपकी सेवा में। हनुमान जी महाराज की सेवा में ये महाराज जी धूप है, और ये महाराज जी हनुमान जी महाराज की सेवा में ये चमेली का तेल, और ये महाराज जी सिंदूर सोला चढ़ाने के लिए जी सिंदूर महाराज जी, और ये हनुमान जी महाराज के लिए फल। तो दोस्तों हम महाराज जी की सोलर लाइट की फिटिंग किए दे रहे हैं महाराज जी की कुटिया में। ये बटन है महाराज जी, इसको दीजिए। तो हम महाराज जी की प्लेट और बैटरी सेट कर दिए हैं, बल्ब भी लगा दिए हैं, ये देखे जल रहा है, और एक बटन भी लगा दिए हैं। अभी महाराज जी की यहीं पर बंधवा देते हैं, सेटिंग बनवा देते हैं महाराज जी की इच्छा अनुसार। लो महाराज जी इसको पकड़ो, इधर देखें कैसा सिस्टम है ये, इधर अच्छा, इधर से महाराज जी खोलिए नीचे बीच से, हाँ यहीं से पकड़ के, हाँ सीधा करिए महाराज जी, इधर इधर से यहीं पे और इधर रखते हैं, इधर ठीक है महाराज जी। इसमें एक गद्दा बिछाते हैं अभी, सब सही है, यहीं तो है, ठीक है महाराज जी, सही है। महाराज जी प्लेट कहाँ पर रखना है? बस लेटा दे, वैसे पावर पार्ट एक सिम बस प्लेट को यहाँ पे
अली दोस्तों देखिए महाराज जी की सोलर प्लेट बगल में रख दिए हैं और तेंदू के पेड़ में ये बल्फ भी बांध दिए हैं। महाराज जी यहीं नीचे बैटरी भी रख लिए हैं हनुमान जी के सामने। महाराज जी थोड़ा जला कर देखिए। आप फिट हो गया सीताराम, जल रहा है महाराज जी, जल रहे प्रभुवास। महाराज जी इसको कुटिया में क्यों नहीं लगाए हनुमान जी के सामने लगवा रहे हैं? यहीं पे पाठ चला था हनुमान जी के, मैं रोज 11-2 रामायण को पाठ शाम सुबह। अच्छा यहीं पर मतलब हनुमान जी महाराज के सामने आप पाठ करेंगे? करता हूं मैं यहीं, तो यहीं पर प्रकाश होता रहेगा। तो तेंदू के पेड़ के नीचे ही महाराज जी अपनी पलंग भी लगा दिए हैं और इधर महाराज जी हनुमान जी के सामने बैठे हैं आसन लगाकर। एक दूसरे बाबा यहाँ पर आए हैं। महाराज जी बाबा जी कब आ गए यहाँ पर? बाबा जी 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन। बाबा जी कहाँ से हैं? महाराज जी प्रयागराज झोसी इलाहाबाद। महाराज जी आप कुटिया में कब से आप पधारे? 4-5 दिन हो रहे हैं। इसके पहले महाराज जी आप कहाँ रहते थे? आप रहते थे प्रयागराज में। अच्छा हाँ, तो महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों के अंदर कैसे आ गए? आ गए प्रभु के कृपा, प्रभु बुला ले आए। हाँ, वो हनुमान जी, हनुमान जी महाराज। हाँ, तो यहीं पर महाराज जी रामायण पाठ करेंगे? हाँ यहीं करेंगे। तो दोस्तों दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के और यहाँ पर देखिए अखंड दीपक जल रहा है शशि कहूं कहां शो। और इधर महाराज जी रामायण पाठ कर रहे हैं। दूसरे महाराज जी भी हैं और कुछ ग्रामीण लोग भी आ गए हैं महात्माओं के दर्शन के लिए। और महाराज जी अपने कुटिया में चले गए हैं। चारों तरफ से आपको जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। महाराज जी रामायण पाठ कब से शुरू हुआ यहां पर? रामायण पाठ नवरात्रि से स्टार्ट है। नवरात्रि से अखंड दीपक और रामायण। अच्छा ये कुटिया महाराज जी बाबा जी की कितनी पुरानी है? ये 4 साल पुरानी कुटिया। 4 साल। तो यहाँ पर महाराज जी अखंड दीपक जलता रहता है? हाँ, अखंड दीपक चलेगा, परमानेंट रामायण चलेगा जी। महाराज जी प्रयागराज से आए हैं? प्रयागराज से आए जी। वो महाराज जी पहले से रह रहे हैं? वो पहले से ही रह रहे हैं। महाराज जी क्या बनेगा आज? आज अभी सब्जी चावल टिक्कड़ बनाने तैयारी है जी। तो वो बाबा जी दूसरे वाले जो बाबा जी रामायण पाठ कर रहे हैं तो अब यहीं पर रहेंगे क्या महाराज जी इसी कुटिया में? अभी कई दिन तक यहीं पे रहेगा बाबा जी, अभी कुछ नहीं खाता है बाबा जी। अच्छा बाबा जी खाते नहीं हैं? हाँ, मैं तो ये भैरव के लिए मेरे लिए आप बना रहा हूँ कुछ। तो बाबा जी क्या खाते हैं? बाबा जी सिर्फ दूध खाओ तो एक गिलास। अच्छा दूध पीते हैं और फल फूल खाते हैं? फल फूल दूध। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य भी दिखा देता हूँ। इधर देखे महाराज जी अपनी सामग्री और कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं। ये गैस सिलेंडर हो गया और इधर महाराज जी अपना राशन सामग्री रखते हैं। और इधर कुछ किताबें हैं रामायण वगैरह, पूजा पाठ का सामान है, अगरबत्ती धूप वगैरह सब रखा है यहीं पर। महाराज जी का बिस्तर भी है, ये देखे ये महाराज जी का बिस्तर है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये घास फूस और तिरपाल डालकर महाराज जी की कुटिया है। और ये टीला है, दोनों तीनों तरफ से आपको टीला मिलेगा। और सामने से देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया बिल्कुल खुली है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में एक और जो दूसरे बाबा जी आए हैं वो फलहारी रहते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। महाराज जी आप अन्न नहीं खाते? फलहारी जी। देखिए दोस्तों किस तरह की जगहों में महाराज जी रहते हैं। इधर एक गुफा टाइप इधर भी बनी थी लेकिन ये गिर गई है। महाराज जी यहीं पर अपना भोजन प्रसाद कर रहे हैं। इसको बनाएंगे क्या महाराज जी अभी? अच्छा महाराज जी फोल्डिंग बढ़िया है? हाँ फोल्डिंग बहुत बढ़िया, अच्छा लग गया। जय श्री राम। तो इसी में बैठ कर अब रामायण पाठ करेंगे जी। मेरी इच्छा भी वही था, बल्ल मन की इच्छा आप पूर हो गया, आप कुछ नहीं। महाराज जी आपको आप कैसा लग रहा है? बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया लग गया प्रभु। यहीं पर महाराज जी सोलर प्लेट अब यहीं पर रहेगी? हाँ यहीं पर रहेगी, मैं रात में यहीं पर रहा हूँ रामायण। अच्छा ऊपर बल्ब भी बढ़िया जलेगा? बस बल्ब यहीं पे ही, बल्ब आप रेडी किया है? जड़ी बूटी देंगे आपको, बात हो गठिया बात हो, आपके दर्द हो तो, आपके परेशानी हो, भूत प्रेत हो, टोना डीठ मुठ नज़र हो, आपको कुछ भी है वैद कुछ परेशानी भी है उसको हम भी देते हैं हनुमान जी के स्थान में। सीताराम 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 सीताराम। तो देखा दोस्तों कितने मतमौले संत हैं, साधारण सी मिट्टी की गुफा में रहते हैं, तेंदू के पेड़ के नीचे बैठकर भजन साधना करते हैं हनुमान जी महाराज के। और चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दर्शन होंगे। कुटिया में यदि खाने को नहीं है तो भी महाराज जी को कोई टेंशन नहीं रहती, जंगलों से फल फूल मिल गए तो ठीक है, नहीं पत्तियां पेड़ों की तोड़कर खाते हैं और भजन साधना करते हैं। जब भजन करते करते महाराज जी को थोड़ा थकी
या थकान महसूस होती है तो राम धुन में नाचते भी हैं, गाते भी हैं, लेते हैं। पहले इस कुटिया में एक महात्मा थे, अब दूसरे एक महात्मा और आ गए हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। इस समय वो उपवास रहते हैं, फल फूल केला वगैरह खाकर रहते हैं, यदि नहीं मिला तो अपना जल पीकर ही रहते हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।